إبراهيم ربي أدخلني مدخل ستره وأخرجني مخرج ستره وأجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे। इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना बारिश का मज़ा दुबाला किया जाए और हलवा पूरी बनाया जाए। मैं अब इस वक्त पूरियां बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए, पूरियां बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास मैदा जो है वो 3 कप है, आटा मैंने 1 कप लिया है, पानी जो है वो मैंने नीम गरम लिया है, घी जो है मैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करूँगी, दही जो है 1 खाने का चम्मच है। दही डालने से पूरियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं और 1 खाने का चम्मच तकरीबन ये पिसी हुई चीनी है, 1/2 टीस्पून जो है नमक है और 1/2 टीस्पून से कम थोड़ा सा जो है वो बेकिंग पाउडर है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप इसमें आटा डाल लिया है और 3 कप मैदा डाल लिया है, ये देखें। और उसके बाद ये जो मेरे पास पीसी हुई चीनी, नमक और बेकिंग पाउडर है ये मैंने शामिल कर लिया है, ये देखें। फिर उसके बाद जो है ये दही चला गया, दही डालने के बाद हमने थोड़ा सा जो है ये ऑयल शामिल कर लेना है, बस इतना ही काफ़ी है। पहले थोड़ा सा आपने इसको स्पून के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। ये देखें तकरीबन मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा है, ये मैंने पूरियाँ ज़्यादा बनानी है, मौसम को खूब इंजॉय करना है सबने मिलके, इसीलिए ये मैं ज़्यादा बना रही हूँ। अब ये जो है, अब ये मैंने ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने ये जो पानी है ये मेरा नीम गर्म पानी है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने गूंदना है। शुरू में जो ये मैदा है ये हाथों को चिपकता है, हमने बड़े हल्के हाथ से करना है, इसलिए इसका जो आटा है वो तकरीबन नरम ही होता है। ये देखें, ये मेरी डो जो है वो बन गई है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं ऑयल यूज़ करूँगी, इसलिए ये मैंने हलवाई से सुना है कि जैसे ही ये डो आपका आटा गूंदा जाए उसको दोबारा जो है घी लगा के 3 से 4 मिनट तक दोबारा गूंदो। देखें कि मेरा आटा जो है सॉफ्ट सा गूंद चुका है, अब मैं इसको 5 से 7 मिनट का रेस्ट दूंगी। मैंने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है हल्का सा ऑयल लगा के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मेरा कितना अच्छा सा सॉफ्ट सा गूंद चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये देखें, इतने इतने साइज के छोटे जो पेड़े होते हैं रोटी के, उससे 1/2 साइज के पेड़े हमने बनाने हैं। ये देखिए ये मैंने पेड़े कर लिए। अब हम इस पेड़ों को रेस्ट देंगे, कम से कम 10 मिनट का रेस्ट ज़रूरी है ताकि ये हमारी पूरियां बहुत सॉफ्ट और फूली हुई बने। ये मैंने जो पेड़े हैं इनको मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, ये अच्छे से नरम हो चुके हैं। आए अब इसको मैं बेलती हूँ। ये देखें, इसको मैंने ये ऐसे ऐसे बेलना शुरू कर दिया है, खुशका लगा के इसको आहिस्ता आहिस्ता। इसके जो किनारे हैं ये हमें बारीक करने हैं, अंदर से तो फूल जाती, किनारों से मोटी रह जाती है, ये हमने कर। ये देखें, ये मैंने इतना ये हाथ से ही मैं कर रही हूँ, अगर हाथ से हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो बेलने से आप बेल लें। ये देखें, मैंने इतना इसको बेल लिया है। अब मेरा जो ऑयल है वो गर्म हो गया, अब हम इसको उसमें डालते हैं। ये दूसरी वाली इसमें डाल दें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी फूली है। और अब हम दूसरी तरफ करते हैं, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। लीजिए, हमारी मज़ेदार होममेड हलवा पूरी तैयार है। आप इसको अपने घर में ट्राई करें, मौसम को एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।